रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत निराला नगर बस्ती में महिलाओं और युवतियों को सिलाई कढ़ाई और बुनाई का प्रशिक्षण देने के लिए एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव की पहल पर कौशल उन्नयन व स्वरोजगार योजना के तहत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान सभी महिलाओं और युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और खुद का रोजगार कर सकें। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं और युवतियां इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण लें और अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं और युवतियां स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती हैं और सफलतापूर्ण सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं। आगे कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण निरंतर और भी संचालित किए जाएंगे जिससे हम आप सभी को रोजगार दे सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पहले दौर में 25 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस विभाग और प्रिज्म जॉनसन कंपनी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए रीवा से पुष्पेंद्र गुप्ता, हीरो की रिपोर्ट। पिछड़े हो, आगे हो, पीछे हो, सबको जोड़ना है। एक एक हमारे लीडरशिप का काम है जो शासन प्रशासन दे रही है, तो इसमें आप लोग आगे आ रहे हैं। आप इसमें निश्चित ही सफल होंगे ऐसा मुझे आशा है। जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, ये जो अपना पोटेंशियल है, जो संभावना लेके आती है, वो असीम रहती है। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बीज एक वृक्ष बनता है, वृक्ष महावृक्ष बनता है और महावृक्ष महावन बन जाता है, तो एक बीज में, इतनी छोटी सी बीज में इतना ताकत रहता है। तो आपके अंदर जो ताकत है, मुझे लगता है बहुत लोग मालूम है, तो पूरी ताकत के साथ, पूरे अपने टैलेंट है, अपने रचनात्मक जो क्रिएटिविटी है और अपना विल पावर, आत्मबल से आप अगर ट्रेनिंग करेंगे, मुझे लगता है कि आप ऊंचाई तक पहुँचेंगे। आपने सुना होगा तो मीरा भाई का नाम सुना होगा आपने, शायद नहीं सुना होगा। मीरा भाई शानू, वो सिल्वर मेडल लाई है ओलंपिक में, कोई महिला है, छोटी सी लड़की ना, 20 साल के अंदर ही होगी अभी। वो लकड़ी जंगल जाके लकड़ी लाती है, लकड़ी का गट्ठा 5 किलोमीटर जाके, तो उसको देख के लोग बोलते थे कि तो गाँव की बहुत ताकतवर महिला है। तो किसी ने उनको सुझाव दिया कि क्यों ना वेट लिफ्टिंग करें, तो तब से वो वेट लिफ्टिंग करना चालू की। आप पूरे देश के लिए उतरा सम्मान गौरव और ओलंपिक मेडल सिल्वर मेडल अभी 2020 में जापान में जो हुआ था लाई, तो महिलाओं का ताकत तो उसमें तो यही है। आज के स्पोर्ट्स में देखा हमने पीवी सिंधु हो, जो भी हो, बड़े बड़े नाम लेके आ रहे हैं। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।